हाय व्यूअर्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जायका इंडिया का पर। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे झट से बनने वाले नाश्ते की रेसिपी जिसका नाम है मैक्सिकन टाकोस। तो चलिए शुरू करते हैं। टाकोस बनाने के लिए हमने यहाँ पर ली है 2 मीडियम साइज की कटी हुई प्याज, 1/4 टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स, 1/2 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर और बारीक कटा हुआ हरा धनिया। इसी के साथ हमने यहाँ पर लिए हैं 4 मीडियम साइज़ के आलू जिनको हमने बॉईल करके मैश कर लिया है, और टाकोस की सीट बनाने के लिए हमने लिया है 1 कप गेहूं का आटा, 1/4 टीस्पून नमक और 2 टेबलस्पून तेल। टाकोस की सीट बनाने के लिए सबसे पहले हम आटा गूंद लेंगे। इसमें हम ऐड करेंगे नमक और तेल, इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके आटा गूंद लेंगे। तो हमने आटे को गूंद लिया है, अब इसे ढक कर 10 मिनट के लिए रख देंगे। टाकोस की स्टफिंग बनाने के लिए हमने पैन में 2 टेबलस्पून तेल गरम कर लिया है। अब हम इसमें कटी हुई प्याज ऐड करेंगे। गैस की फ्लेम को हाई करके प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे। प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, अब गैस की फ्लेम को मीडियम करेंगे और सारे स्पाइसी ऐड कर देंगे, इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारे बॉईल करके मैश किए हुए आलू, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब गैस की फ्लेम को ऑफ करके इसमें ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। तो यहाँ पर आटे को 10 मिनट हो चुकी है, अब हम इसे 1 मिनट के लिए और गूंथेंगे। इसी के साथ हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून तेल और इसे अच्छे से गूंथ लेंगे। तो हमारा आटा शीट्स बनाने के लिए बिल्कुल तैयार है। सबसे पहले हम इस तरह के बॉल्स बना लेंगे। इस तरह से हम टाकोस की शीट्स बना लेंगे। हम मीडियम साइज़ की रोटी बनाते हैं, उसी तरह हमें इसे बनाना है। हमें इसे ज़्यादा मोटा भी नहीं रखना और ज़्यादा पतला भी नहीं रखेंगे। तो यहाँ पर हमारी एक शीट बन चुकी है, इसी तरह हम बाकी की सारी शीट्स तैयार कर लेंगे। तवा गरम होने के बाद हमारी तैयार की हुई शीट्स को हम दोनों तरफ से हल्का हल्का सेक लेंगे। हमें इसे ज़्यादा नहीं सेकना, सिर्फ इसका कच्चापन दूर करना है। टाकोस को तैयार करने के लिए हमने यहाँ पर ली है हमारी बनाई हुई शीट, स्टफिंग, टोमेटो केचप, चीज़ स्लाइसिस और कद्दूकस की हुई पनीर। आप या तो चीज़ स्लाइसिस का इस्तेमाल कर सकते हैं या तो कद्दूकस की हुई पनीर का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम यहाँ पर आपको दोनों तरीक़ों से टाकोस बनाकर बताएंगे। सबसे पहले हम इस पर टोमेटो केचप अच्छे से अप्लाई कर लेंगे। अब आधी टाकोस शीट पर हम रखेंगे 1/2 चीज़ स्लाइस। इसी के साथ आधी टाकोस शीट पर हम रखेंगे हमारी तैयार की हुई स्टफिंग। और चीज़ की जो 1/2 स्लाइस है उसे इसके ऊपर रख देंगे। इसे फोल्ड करेंगे और हल्के हाथों से प्रेस कर लेंगे। अब कद्दूकस की हुई पनीर का इस्तेमाल करके हम टाकोस तैयार करेंगे। सबसे पहले टोमेटो सॉस को अच्छे से अप्लाई कर लेंगे। और शीट के आधे हिस्से पर ऐड करेंगे कद्दूकस की हुई पनीर।
इसी के साथ इसके आधे हिस्से पर हम ऐड करेंगे हमारी तैयार की हुई स्टफिंग। और इसमें फिर से ऐड कर देंगे थोड़ी सी कद्दूकस की हुई पनीर। इसे फोल्ड करके हल्के हाथों से प्रेस कर लेंगे। टैकोस को सेकने के लिए हमने तवा गरम कर लिया है। अब इसे तेल से ग्रीस करेंगे। आप घी या बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस पर ऐड करेंगे हमारे तैयार किए हुए टैकोस और इसे 2 से 3 मिनट के लिए एक तरफ से सेक लेंगे। हमारे टैकोस एक तरफ से तैयार है। अब हम इन्हें पलट कर दूसरी तरफ से भी सेकेंगे। हमें यहाँ पर गैस की फ्लेम को मीडियम ही रखना है। हम इसकी किनारियों की तरफ से थोड़ा थोड़ा तेल और ऐड करेंगे ताकि ये दूसरी तरफ से भी अच्छे से सिक जाए। टैकोस हमारे दोनों तरफ से सिक चुके हैं। अब इसे स्टैंड करके बीच में से भी सेक लेंगे। तो हमारे टैकोस अच्छे से सिक चुके हैं। हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और बाकी के टैकोस को भी इसी तरह सेक लेंगे और इन्हें सर्व करेंगे। खाने के लिए तैयार है हमारे मैक्सिकन टैकोस। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं कि इंस्टेंट नाश्ते की ये रेसिपी आपको कैसी लगी। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें।